दोस्तों आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप लोगों को ओला में अपनी बाइक को ऐड करके कैसे रुपए कमाते यार। मैंने भी अपनी बाइक को जो ओला में अपनी जोड़ा था और उससे मैंने बहुत सारे पैसे कमाए और कमाता भी हूँ। कभी कभी अगर जाता हूँ कहीं या अपने घर जाता हूँ तो बाइक को ले आता हूँ और खुद ही अपनी बुकिंग करके पैसे कमा लेता हूँ। दोस्तों आप भी अगर अपनी एक बाइक से और खाली घूमते हो तो दोस्तों जरूर इस काम को करने की कोशिश करें और अच्छा खासा पैसा कमाने की कोशिश करें। तो दोस्तों कौन सी वो ट्रिक जो ओला में अपनी बाइक को जोड़कर, ओला एक कंपनी है उसमें बाइक को जोड़कर कैसे रुपए कमाते हैं। मेरी प्लैटिना 100cc की बाइक है दोस्तों, तो उसको मैंने जोड़ रखा है और जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो ऑलरेडी कभी कभी किसी किसी को बुकिंग आती है तो बिठा लेता हूँ। तो दोस्तों ओला में काम करने से पहले मैं आपको ओला की थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ दोस्तों कि ओला में कैसे काम होता है और कैसे कैसे क्या होता है, कैसे बुकिंग आती है, ये सारा मैं अभी यहाँ बता देता हूँ दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों अगर आप ओला में ओला पार्टनर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो है अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे बाइक को जोड़ने के लिए दोस्तों। तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी देना पड़ेगी आपको और दूसरा पैन कार्ड की फोटोकॉपी देना पड़ेगी। नंबर थर्ड है आपको दो फोटो देना पड़ेंगे। नंबर फोर्थ जो है आपको अपनी गाड़ी का चेचिस नंबर और जो है गाड़ी नंबर जो गाड़ी का और मतलब कि गाड़ी के जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है RC है बीमा है वो आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों आपको बैंक अकाउंट भी देना पड़ेगा जो कि आपके पैसे में मतलब खाते में आया करेंगे। ओला कंपनी जो है पैसों को खाते में ट्रांसफर करते हैं। आप भी चाहते हैं ओला से अच्छा खासा रुपए कमाऊं तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा रुपए आप ओला से कमा सकते हो, यानी कि 15,000 से 20,000 रुपए मंथली आप कमा सकते हो। इंसेंटिव भी बहुत अच्छा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने ओला को ओला मतलब आप अपनी बाइक को जोड़ सकते हो और अपने सिटी ऑफिस में जाके इसको जमा कर सकते हो दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों अगर आप भी अगर इसको करना चाहते हो तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ से आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो। और दोस्तों आप लोगों को इसके ऊपर और भी वीडियो देखनी है तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उन वीडियो को भी जाके आप देख सकते हो दोस्तों। तो कैसे ज्वाइन होता है इस पर मैंने मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दिए हैं, उनको आप जाके क्लिक करके आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैंने अपनी बाइक को जोड़ा तो दोस्तों कम से कम जो है 7 रुपए किलोमीटर के हिसाब से जो है कंपनी हमको जो है पे कराती है जो एक कस्टमर से, क्लाइंट से, पैसेंजर से। तो यानी कि अगर 10 किलोमीटर जाता तो 70 रुपए देती है। तो इंसेंटिव भी होता है कि अगर 6 किलोमीटर से ऊपर चलाओगे 10 किलोमीटर तक तो आपको जो है 50 रुपए देगी कंपनी अपनी तरफ से, यानी कस्टमर से भी मिलता है और उधर से भी मिलता है। तो आपको कंपनी को कुछ देना नहीं होता है, कंपनी बल्कि आपको इंसेंटिव भी देती है और बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम भी कराती है। आप लोग भी अगर दोस्तों ओला में ज्वाइन होकर ऐसा अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूं आपको और ऐसी बेहतरीन नॉलेज देता रहता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने ये सब काम कर करके छोड़ दिया दोस्तों और मेरी बाइक आज दिन भी दोस्तों ओला में जो है जुड़ी हुई है, क्योंकि दोस्तों मेरे को जरूरत पड़ती है। और सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊँ किस तरीके से इसमें रुपया कमाया था। जैसे मान लीजिए आप अपने घर जाते हो और कहीं भी आपका घर है या कहीं भी बाइक चलाते हो तो अपने दूसरे नंबर से उसमें ऑप्शन आ गई है, एक अपडेट आ गई है कि उससे आप बुकिंग करके जो है आप अपनी बाइक को चला सकते हो। चलाने के बाद दोस्तों जो भी बिल आता है वो आपको कंपनी देगी, उसका इंसेंटिव आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपने 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक चलाई तो 200-300 रुपए कंपनी आपको दे देगी, यानी वो भी मिलेगा, आप अपना काम कर रहे थे वो भी आपका पैसा, पेट्रोल भी बचा। तो यार बहुत अच्छा तरीका है, मैंने भी ये काम किया था। और दोस्तों किस तरीके से बुकिंग आती है तो ये भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। जैसा कि कोई दूसरा क्लाइंट होता है जो यानी पैसेंजर क्लाइंट मतलब जो सवारी होती है वो अपनों को बुकिंग करती है अपने मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन, आप उसके आसपास होते हो तो वो आपको जो बुकिंग कर लेते हैं और आपको जो है एक पास कॉल आती है और कॉल भी आ जाती है कभी कभी, और नहीं भी आती तो मतलब उसमें अलार्म होता है एक ओला पार्टनर एप्लीकेशन में जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है वो कंपनी करके देती है तो वो बजती रहती है, तो उसको जो एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसकी लोकेशन पे जाना होता है और दोस्तों इसी प्रकार से उसको बिठाल के वहाँ तक छोड़ना पड़ता है और जब से पेमेंट ले लिया जाता है। पेमेंट दो तरीके से लिया जा सकता है, ऑनलाइन और एक जो है ऑफलाइन। ऑफलाइन जो अपने हाथ से लेते हैं वो, और ऑनलाइन जो अपने जो खाते या कोई मतलब अकाउंट में डाले तो उसको जो ऑनलाइन कहते हैं।
और दोस्तों इंसेंटिव भी काफी अच्छा मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों क्लाइंट कभी कभी अपनों को टिप भी दे देता है फालतू की, जैसे कि 10-20 रुपए अलग से दे दिए, खुले हुए नहीं तो रख लो यार। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्तों की कमाई होने का ये नजरिया है दोस्तों। मैंने भी इसमें काम किया, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों रुपए कमाए जाते हैं। और दोस्तों आप भी अगर ये काम करना चाहते हो जरूर जरूर करें दोस्तों ये काम। और दोस्तों इसमें हेलमेट भी कंपनी तरफ से मिलता है दोस्तों, और दोस्तों कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो दोस्तों जरूर अपने गाड़ी को रजिस्टर करें, खाली आपकी गाड़ी है तो दोस्तों थोड़ा बहुत रुपए तो देने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के जमाने में जो है रुपए का काम रुपए से चलता है। कौन चाहता है दोस्तों कि मैं खाली बैठूं। तो दोस्तों आप कहीं भी जाते हो तो आप ओला से एक अच्छा खासा रुपए कमा सकते हो। और ओला से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको अगर मेरे से लेनी है ना तो मैं जरूर दोस्तों आपको दूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरे को है 4 मंथ का एक्सपीरियंस ओला में। मैंने 4 मंथ एक्सपीरियंस दोस्तों करके मैंने लिया था। और दोस्तों इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो दोस्तों आने वाली है कि ओला में हम लोग कैसे काम करते हैं, और ओला में बुकिंग कैसे आती है, ओला में ऑर्डर कैसे आता है, ओला में मतलब पैसेंजर को छोड़ा कैसे आता है, पेमेंट कैसे लिया जाता है। और ये सारी दोस्तों वीडियो मेरी जो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है और भी मेरे चैनल पर पड़ी हैं, आप वहाँ से आके चेक कर सकते हो। और टेक्निकल से संबंधित आपको कोई जानकारी हेल्थ से रिलेटेड चाहिए तो दोस्तों मैं बनाते रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मेरे को जरूर बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।